गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। देखो ये पंखे मैंने अभी साफ़ किए थे और फिर देखो कितने गंदे हो गए। अब इन्हें मेरे को साफ़ करने हैं, बच्चे गए हैं स्कूल तो मैं इनको साफ़ करती हूँ। खाली बैठी करना भी क्या है, क्योंकि दिवाली आ रही है, सफाई तो करनी है धीरे धीरे। और ये अभी मैंने 15 दिन पहले साफ़ किए थे, ये 15 दिन का हाल है गाइस। देख सकते हो मैंने पंखे साफ़ कर दिए हैं, वो कमरे का भी, उस कमरे का भी, ये भी, और ड्राइंग रूम के भी। और गाइस कोई पकड़ने वाला नहीं था, इसलिए मैंने गीले कपड़े से नहीं करे, क्योंकि मैं अकेली हूँ घर पे और मैं गीले कपड़े से करूँगा किसी चिपकी रहेगी तो, इसलिए। और कुर्सी मेरे को हिल रही थी इसलिए। तो अब बच्चे आएंगे जब इसको अच्छे से और साफ़ करूँगी। अभी तो मैंने सूखे कपड़े से साफ़ किए क्योंकि चिकट रहे हैं, क्योंकि हमारी रसोई है ना, उसके उस जगह से चिपट जाते हैं। तो गाइस आपको हम बता देते हैं, दिवाली आने वाली है तो अब चलेगा सफाई अभियान। क्या सफाई अभियान? तो चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके दिखाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा बाहर का भी दिखाएंगे। तो देखते हैं अब गेम खेल पाएंगे या नहीं। गाइस आप देख सकते हो, वैसे तो मेरा सांस फूल रहा है, मैंने सेटिंग चेंज कर दिया अकेली ने। ये कुर्सियाँ यहाँ लग रही थी, यहाँ लगा दी, सोफा वहाँ लगा दिया, और मैंने सेटिंग चेंज कर दिया। पंखे साफ हो चुके हैं, आधा काम हो चुका है, थोड़ा थोड़ा करके करूँगी। अब मेरी सांस फूल रही, मैं थोड़ी देर बैठूँगी। गाइस आप देख सकते हो मेरा पसीना कैसा बह रहा है, देखो ये देखो ऐसे बह रहा है, अकेले ने करा है, जोर लगा के, दम लगा के ऐसा, क्योंकि हमारे घर में सारे फुसड्डी बम हैं मोटे मोटे, हम सब पर बस की किसी के नहीं है, पसर जाते हैं। काम की कह दो तो उनकी मम्मी जाती है, कोई करके राजी नहीं है, ना बेटा ना बेटी। तो मैंने सोचा मैं ये कर लेती हूँ, उनसे कहूँगी तो टी करेंगे कि मम्मी को काम फैलाने की आदत है, मुझे कहते हैं काम फैलाओ, तो इसलिए मैंने खुद नहीं कर लिया। अब आपको दिखा देती हूँ पूरा घर का, अभी थोड़ा क्या है, थोड़ा और करना है। ये देखो गाइस, और गाइस आपको मेरा मंदिर दिख रहा है, इसके पापा कह रहे हैं मंदिर में चोटी नहीं होनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना चोटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो मुझे शायद नया मंदिर लाना पड़ेगा। देखो अगर मेरा बजट बैठा तो लाऊंगी, वरना नहीं लाऊंगी, क्योंकि मैं बजट के हिसाब से काम करती हूँ, बिना बजट के हिसाब से मेरा नहीं होता है। बजट में चलने की आदत है, क्या करूँ, इसलिए मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब मुझसे चिढ़ते हैं कि बजट में चलती है, ये सोचती रहती है, पीछे का सोचती है। गाइस मैं पीछे का कैसे नहीं सोचूं, बताओ आप, मुझे बुढ़ापा नहीं निकालना, बेटी नहीं निकालनी, बेटे को पढ़ाना लिखाना नहीं है, मुझे पीछे का सोचना पड़ता है, मैं पागल हूँ। पर कई बार सोचती हूँ, नहीं सोचूंगी फिर भी सोचती हूँ गाइस, क्या कर सकती हूँ, उसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। सब मुझे घर में इस बात पर डांटते हैं कि तू पीछे का बहुत सोचती है, पर मैं सोचूंगी गाइस, मैं सोचूंगी नहीं फिर भी सोचूंगी। मेरे पापा भी डांटते हैं, मेरी बहन भी डांटती है, मेरी भांजी भी डांटती है, मेरे घर के भी डांटते हैं, क्या करूँ, सारे मुझे इसी बात पर डांटते रहते हैं कि सोचती सोचती एक दिन ऊपर उड़ेगी, पर क्या करूँ, सोचना तो पड़ेगा, नहीं सोचूंगी तो कैसे काम चलेगा, ये बताओ आप। ये बच्चे तो बदतमीज़ हैं, और इनके पापा इनके साथ मिल जाते हैं, सब मुझे पागल समझते हैं, तो आप बताना मैं पागल लगती हूँ आपको। गाइस पलक और पीयूष आ गए, अब देखना वो ये चेंजिंग देख के क्या बोलते हैं, आपको दिखाती हूँ। आज मैं कैमरा छुपा रही हूँ, जो उनको पता नहीं लगेगा कि मैंने कैमरा कहाँ छुपाया है, उनका रिएक्शन देखना। ओके दिखाती हूँ, भूल जाती हूँ क्या करूँ, इसका तो रिएक्शन कुछ निकला नहीं, पता नहीं क्यों नहीं निकला, नहीं तो ये भौंकते इतने है ना, इतने भौंकते हैं, बहुत भौंकते हैं कि मेरी मम्मी को काम फैलाने की आदत है। तो पीयूष आएगा तो दिखाती हूँ आपको, याद रहेगा तो मेरे। गाइस मैं पीयूष से पूछूं, मेरा हेपर स्टाइल देखो गाइस, हेपर स्टाइल, हेयर स्टाइल करो। मैं पीयूष से पूछूंगी इसकी फेवरेट चीजें खाने में, गेमिंग में, छोटे छोटे बाल में, सब चीजों में, और देखिए खेल रहा है पीछे के टांग टिंजी है एकदम छपरी वाला, नहीं हूँ मैं, छोटे छोटे बाल है, छपरी नहीं है, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा इसके। पीयूष तेरा फेवरेट वेजिटेबल बता, पहली बात मेरा नाम पीयूष नहीं है, ईशांत भारद्वाज, आप अपना फेवरेट वेजिटेबल बताइए। वो पनीर, वेजिटेबल में नहीं आता वो, पनीर
इसको ये नहीं पता मुझे कौन सा फेवरेट है। दाल मखनी पसंद है। ओके गोभी आलू पसंद है मुझे। और नहीं है पसंद झूठा। और फेवरेट फ्रूट्स 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 कौन सा फ्रूट पसंद है तेरे को? मुझे देखो आम। और फेवरेट फास्ट फूड में से कौन सा पसंद है? सभी को पता है मोमोज। और तेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो लड़ाई झगड़े के होते हैं? नहीं सॉन्ग ही ठीक लगते थोड़े थोड़े। और तेरा फेवरेट गेम? फ्री फायर। और आउटडोर गेम है बास्केटबॉल। हाँ। और तेरा फेवरेट तेरे फेवरेट कौन से हैं? मम्मी है पापा? मेरे पापा। हाँ वो तो मुझे पता था क्योंकि वो तेरी मम्मी नहीं पसंद मम्मी मुझे कुछ छूट नहीं देती। पापा आती ऐसा लगता है ये जेल नहीं ये खुला आसमान है। जब तक मम्मी होती ऐसा लगता है हम जेल में हैं। पापा आते ये खुला आसमान है यहाँ उड़ो कभी वहां उड़ो। कुछ खाना हो तो पापा पैसे दे देते चले जाओ। कुछ भी करना हो तो पापा बोल देते बेटा कर लो। कभी मूवी देखनी हो कभी मूवी देखनी हो तो पापा जी कहते हैं आज मेरे साथ ही सो जाओ। देखा गाइस आपको पीयूष के तो पता चल चुके हैं अब आपको मेरी बेटी एकता के भी पता लगेंगे कि उसके फेवरेट चीज़ें क्या क्या हैं। उसको ज़्यादातर कपड़े पसंद है ऐसे। और तो आने के बाद उससे पूछते हैं अभी वो ट्यूशन गई हुई है फिर आपको दिखाते हैं। तो आ चुकी है अब एकता बताएगी अपनी फेवरेट चीज़। तो इसकी फेवरेट वेजिटेबल कौन सी है? भिंडी भी खाता हूँ शिमला मिर्च भी। एक बताना फेवरेट क्या होती है? मैं सभी खा ली। फेवरेट सब्जी कौन सी है तेरी? गोभी। गोभी आलू। और फेवरेट फ्रूट्स? फ्रूट। हाँ फ्रूट ना खाते हैं हम फ्रूट का हुआ है। अच्छा ज्यादा से ज्यादा अमरूद तरबूज और खीरा बस इसके अलावा। और फास्ट फूड में फेवरेट? चाउमीन। अच्छा फेवरेट सॉन्ग? सॉन्ग तो बहुत सारे हैं फेवरेट एक नहीं होता हमारा। अच्छा फेवरेट गेम? शरीर देख के लगता है गाइस मैं गेम खेलती हूँ। इसका हो गया लॉल। मैं बैडमिंटन खेल सकती हूँ ठीक ठाक। मेरे को गैलरी पसंद है गैलरी खेलना पसंद है। और इसका हो चुका है लॉल। एक आधे दिन में अब पेपर खत्म हो गया एक आधे दिन में नीचे बैडमिंटन खेलने जाऊंगी फिर उसके साथ रोज शाम को। हाँ उससे ये कमजोर हो जाएगी और पतली हो जाएगी। अब मेरी बारी है गाइस ये मुझसे पूछे। पेपर खत्म जिम जाऊंगी गाइस। तेरे ट्यूशन में आज क्या क्या हुआ गाइस? चिली पोटैटो और कोल्ड ड्रिंक। इनके सर मोज कराते हैं गाइस। हमारे सर ना पार्टी देते रहते हैं और पीयूष इस बात से चिढ़ता है किस किस सर क्या था कि कौन सा ट्यूशन है मेरा भी वही लगवा दे आज ना भूखा है। चिली पोटैटो खाए हैं और वो कोल्ड ड्रिंक पिए सर ने मांगा। और आज पीयूष का पूरे पहले बताती हूं क्या वो पहले कम बच्चे आए थे तो सर ने हाफ हाफ प्लेट दो जगह मंगाई। उसके बाद एक आधे बच्चों ने अपने दोस्त फोन करके बुला लिए कि मतलब जो जो ट्यूशन नहीं आए थे उनको। फिर बहुत सारे बच्चे आ गए फिर एक दो को मतलब एक तीन चार ने कोल्ड ड्रिंक ही पी बस और जो दो बच्चे थे उन्होंने कुरकुरे खा लिए बाकी हमने तो चिली पोटैटो खाए गाइस। और गाइस आज पीयूष का पूरे दिन का शेड्यूल पता है क्या है? आज वो स्कूल गया पेपर देने उसने पूरी मौज काटी है फिर अपने फ्रेंड के साथ घूमने गया। उसको घूमने दिया वो पहले स्कूल गया स्कूल के बाद अपने फ्रेंड के साथ वहीं रुक गया पश्चिम बिहार। उसके बाद अपने फ्रेंड के साथ घूमा डोमिनोज गया डोमिनोज से चीज खाई उसके बाद और अब नीचे खेलने गया और टीवी भी देखा है आज। आज मैंने उसको कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके पेपर खत्म हुए पर मेरे भी खत्म है मेरे को क्यों नहीं करने दिया। पर अब उसकी रिमांड उतरेगी आने के बाद पिताश्री वो कह रहा है मेरे पिताश्री मुझसे कुछ नहीं कहते तो उनके आने के बाद उसकी रिमांड उतरेगी। मेरी मम्मी बताएगी मम्मी की फेवरेट वेजिटेबल। मेरी फेवरेट वेजिटेबल है वैसे तो मुझे ना हरी सब्जी ज्यादा पसंद है जैसे कि हरी सब्जी में आती है वो गाइस मेरे को याद आ गया मेरे को गट्टे भी पसंद है। ग्वार की फली मेरे को ग्वार की फली से ज्यादा अरबी सूप पसंद है और वो पसंद है बीन्स। कड़ी बहुत पसंद है मुझे। कड़ी नो पसंद है कड़ी मुझे नुकसान है। आप पूछो अगला। फेवरेट फ्रूट अमरूद तो मेरे को अच्छा लगता है। अब बताओ गाना आपका फेवरेट आपका तो पुराने जमाने के किचन के मेरे एक फेवरेट पुराने जमाने के लोग हैं गाइस। गेम तो आप खेलती ही नहीं। गेम है ना मेरा पसंदीदा गेम है मैं पहले खेलती थी गैलरी। गैलरी आपको भी पसंद है? खेल रखा है पिट्ठू। पिट्ठू छोड़ो आप मेरे साथ गैलरी खेलो। हाँ पिट्ठू बहुत मैं आपको चैलेंज देती हूँ गैलरी में आप मेरे को हरा नहीं सकती। हाँ
एक दिन हम गैलरी का चैलेंज करेंगे। मैं गैलरी में नहीं हार सकती, मैं लिख के दे सकती हूँ। मैंने बचपन में खूब गैलरियाँ की हैं। गैलरियाँ की हैं मतलब पूरी गैलरी बनाई नहीं होती, जीतना जो होता है जिसमें एक गैलरी दो गैलरी थी वैसे। अब बताओ फास्ट फूड इनके, मैं बताती हूँ स्नैपचैट के, पनीर स्टीम मोमोज। अब नहीं है मेरे पसंद वो, अब मेरे फेवरेट फास्ट फूड में आता है पनीर टिक्का और वो मलाई चाप चिली पोटैटो। बस चिली पोटैटो, हाँ चिली पोटैटो खा के आई हूँ, आप तो आ गए। और क्या होता है और क्या पूछना होता है, रुको कलर बताना अपना फेवरेट। मेरा फेवरेट कलर रेड है। मेरा तो कालो है, कालो और मुझे तो कालो पसंद है, ब्लैक। अब मेरी मम्मी मेरे को ना 12th के बाद ना ब्लैक कलर की बुलेट दिलाएगी गाइस, मेरी मम्मी ने कही है। मैं तो नहीं कही, अभी कही है तो कही नहीं, नहीं अब दिलाओगी, अच्छी परसेंटेज आई तो भी नहीं दिलाओगी, फोर व्हीलर दिलाएंगे। और फोर व्हीलर नहीं चाहिए यार, पसंद नहीं है। मेरे को पसंद है, अब भी तो स्कूटी चला रहे हैं, अब क्या हवाई जहाज चला रहे हैं हम, तो अभी इसलिए चला रहे हो, गलियों में चला रहे हो। थ्री व्हीलर दिला देना, ई रिक्शा दिला देना गाइस, तो बढ़िया रहेगा, ई रिक्शा उसमें कमाई भी हो जाएगी। यार बुलेट नहीं दिलाओगी अब मेरे को, मम्मी ऐसे नहीं करते, अगर अच्छी परसेंटेज आई तो भी नहीं दिलाओगी। आईफोन दिलाओगी, वो तो आप खुद ही नहीं ले रही, मुझे क्या दिलाओगी, दिलाऊंगी ना, नहीं दिलाएंगे गाइस, मम्मी खुद नहीं ले रही। गाइस आज का व्लॉग इसी के साथ ही एंड करते हैं, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, बाय।